और वो तस्वीर भी आ गई है जिसमें उद्धव ठाकरे ने राज्यपाल को इस्तीफा सौंपा है। बस थोड़ी देर में आपके सामने वो तस्वीर हम लेकर आएंगे। उद्धव ठाकरे ने न केवल मुख्यमंत्री के पद से बल्कि विधान परिषद की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। राज्यपाल को इस्तीफा सौंपकर राजभवन से निकल चुके हैं उद्धव ठाकरे। रास्ते में एक मंदिर पर रुके वो, वहां उन्होंने दर्शन किए। उनके दोनों बेटे तेजस ठाकरे और आदित्य ठाकरे भी उनके साथ रहे। और अब सवाल यही है कि ये बागी विधायक कब तक पहुंचते हैं मुंबई, फ्लोर टेस्ट कब होता है, जो अगली सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा उसके बाद बहुमत का साबित करने के लिए राज्यपाल कब मौका देते हैं बीजेपी को, और उसके बाद कैसे वो सरकार बनती है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए ये तस्वीर आ गई, वो तस्वीर जब राज्यपाल को इस्तीफा सौंपा उद्धव ठाकरे ने, वो तस्वीर सामने आ गई। आप देखिए राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को अपना इस्तीफा सौंपते हुए उद्धव ठाकरे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है उद्धव ठाकरे ने। बाला साहेब ठाकरे के परिवार से उद्धव ठाकरे पहले सदस्य जो मुख्यमंत्री बने, ठाकरे परिवार का कोई भी सदस्य इससे पहले पॉलिटिक्स में नहीं आया। फिर आदित्य ठाकरे आए पॉलिटिक्स में, आदित्य ठाकरे ने भी विधायकी का चुनाव लड़ा, वो विधायक बने और फिर मंत्री बने। सवाल यह है कि क्या बाला साहेब ठाकरे की विरासत को आगे ले जा पा रहे हैं उद्धव ठाकरे, क्योंकि जिन बाला साहेब ठाकरे की मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में तूती बोलती थी, वो बाला साहेब ठाकरे की लेगेसी को क्या उद्धव ठाकरे शिवसेना के जरिए बचा पाएंगे। शिवसेना में काफी इससे पहले भी टूट हुई, लेकिन जितनी बड़ी टूट उद्धव ठाकरे के रहते हुए, शिवसेना के प्रमुख रहते हुए हुई, उतनी बड़ी टूट कभी नहीं हुई। चाहे वो नारायण राणे हो, चाहे छगन भुजबल हो, चाहे राज ठाकरे हो, चाहे संजय निरुपम हो, लेकिन एकनाथ शिंदे ने शिवसेना को जितनी बड़ी चोट पहुंचाई, उद्धव ठाकरे को जितनी बड़ी चोट पहुंचाई, इतनी बड़ी चोट इससे पहले शिवसेना को कभी नहीं लगी। अब तो ठाकरे परिवार के ऊपर ही ये सवाल उठ गए हैं कि क्या उनके हाथ में शिवसेना का कंट्रोल रहेगा, क्या उद्धव ठाकरे शिवसेना को बचा पाएंगे, क्योंकि सरकार तो उनके नहीं बची, सरकार से तो उनको जाना पड़ा, शिवसेना को कैसे बचाएंगे उद्धव ठाकरे, अब सबसे बड़ा सवाल यही है।